हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आर यू फाइन। आज हम स्टैंडर्ड फोर में विशेषज्ञ है वो उनको रीडिंग करेंगे। तो हमने उनकी एक्सरसाइज है वो देखी थी। तो आज हम पेज नंबर 41 पे, देखो बच्चों दिखाई दे रहा है 41, वहीं हमको पढ़ना है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज और किस तरह अक्षर पे विशेषज्ञ लगाया जाता है वो मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था। तो स्टार्ट बच्चों, चलो देखो अपनी बुक, टेक्स्ट बुक से। उनमें ऊपर लिखा है विषक, तो विषक क्या होता है? दो डॉट दिए गए हैं, वो भी एक ही लाइन में डॉट दिया गया होता है विषक कहते हैं। और जो एक ही डॉट होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ये क्या है? दो डॉट वाले विसर्ग। तो विषक को देखना है, यहाँ पे लिखा है कि अविसर्ग जुओ ने वाँचो, म प्लस विषक बराबर म। क्या होता है बच्चों? पीछे क्या लगाया है? प्लस करके विषक लगाया, इसीलिए उनका क्या हुआ? म। फिर बाद में जो हमारे गणपति बापा है उनका पिक्चर दिया गया है, तो उनमें क्या लिखा है बच्चों? देखो मैं पढ़ रही हूँ, गणेशाय नमः। पीछे क्या बोलेंगे विषक लगाते हैं? तो हम ह बोलते हैं। जो ये दो डॉट दिए गए उनको क्या बोलेंगे? ह, गणेशाय नमः। ओके। फिर बाद में उनके बाजू में जो शंकर भगवान है गॉड, उनका पिक्चर दिया गया है, तो उन पे उन्होंने क्या लिखा है उनके पिक्चर के नीचे? देखो बच्चों, ओम नमः शिवाय। क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, देखा ना? तो उनके नीचे जाते चलो बच्चों। तो क्या कर रही है? एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रही है। तो नीचे क्या लिखा है? गुरुवे नमः। क्या? गुरुवे नमः, यानी कि गुरु को नमन। फिर बाद में है सरस्वती देवी है, देखो उनका पिक्चर दिया गया है बच्चों। उनके हाथ में क्या है? वीणा है। तो वहाँ पे लिखा है सरस्वते शारदाए नमः। क्या लिखा है बच्चों? सरस्वते शारदाए नमः। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा कि विसर्ग वो किस तरह लगाए जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं पढ़ जाती हूँ, देखना। गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, गुरुदेव नमः, सरस्वते शारदाय नमः। तो बच्चों आज हमने विसर्ग किस तरह लगाया जाता है और विसर्ग लगाकर किस तरह रीडिंग की जाती है वो हमने देखा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। और आप